अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद इफ्रा सफदर। तो आज की इस वीडियो में चिकन पुलाव बना रही हूँ। चिकन पुलाव बनाने के लिए मैंने हाफ कप तेल लिया है। अब मैं इसमें दो दालचीनी के टुकड़े डाल रही हूँ, दो तेज़पत्ते डाल रही हूँ, 3 से 4 सब्ज़ इलायची और 1 टीस्पून ज़ीरा। अब इसको मैं भून लूँगी 1 से 2 मिनट के लिए। अब मैं इसमें चिकन डाल रही हूँ, 1/2 किलो चिकन मैंने इस्तेमाल की है चिकन पुलाव बनाने के लिए। अब 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसे भून लूँगी 6 से 7 मिनट के लिए। अब इसमें 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें तली हुई प्याज डाल रही हूँ और अब तकरीबन 1/2 प्याली दही ऐड करूँगी। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। अब मैं 1 बड़े टमाटर को काट के इस तरह से डाल रही हूँ। अब मैं इसमें हरा धनिया डाल रही हूँ, अब पुदीना डालूंगी। अब मैं 1/2 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ। अब चिकन क्यूब इसमें ऐड करूंगी और अब ढक्कन को ढक दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसे मिक्स करूंगी और अब इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें डालूंगी। अब मैं इसमें लेमन जूस ऐड कर रही हूं। अब मैं इसमें 2 कप पानी डालूंगी क्योंकि मैंने तकरीबन 1.5 कप चावल लिए हैं। अब मैं ढक्कन को ढक दूंगी। पानी बॉईल हो चुका है, अब मैं इसमें चावलों को ऐड करूंगी। अब मैं 6 से 7 मिनट के लिए ढक्कन को ढक रही हूँ और उसके बाद दम पे लगा दूंगी। चिकन पुलाव रेडी है। अब मैं हरा धनिया और तली हुई प्याज से गार्निश करूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे चैनल पे आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू।